सबसे पहले हम डैशबोर्ड पे आएंगे और ऊपर डैशबोर्ड लिखा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट टूर्नामेंट लिखा है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे न्यू टूर्नामेंट बनाने के लिए। यहाँ बहुत सारे गेम हैं, हम कोई और भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम फ्री फायर करेंगे और कस्टमाइज़ करेंगे क्योंकि हम फ्री फायर का टूर्नामेंट कर रहे हैं। अब हम स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे एडवांस सेटिंग्स में, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम बेसिक इन्फो में आ गए हैं, यहाँ टूर्नामेंट नेम लिखा हुआ है, इसमें पहले से लिखा हुआ है, हम इसे कुछ और भी चेंज कर सकते हैं जो भी हम टूर्नामेंट करा रहे हैं। मैंने ट्यूटोरियल बनाया है इसलिए मैं ये नाम लिख रहा हूँ। अभी हम नीचे गेम में आएंगे और गेम सेलेक्ट करेंगे फ्री फायर, और यहाँ उसका मोड सेलेक्ट करेंगे सोलो। टूर्नामेंट का शेड्यूल सेट करेंगे, यहाँ डेट लिख सकते हैं, यहाँ टाइम लिख सकते हैं, और यहाँ एंड कब करना है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे टाइमिंग, और उसके बाद टूर्नामेंट कब स्टार्ट करना है वो लिखेंगे यहाँ पे। एक दिन बाद करना है तो अगले दिन सेलेक्ट कर सकते हैं या उसके बाद का। ऑप्शन है इसे इनेबल करके आप अपने चैनल का लिंक डाल सकते हैं जहाँ आप स्ट्रीम करते हैं। आपको कंट्री इंडिया सेलेक्ट करके रखनी है, लैंग्वेज में इंग्लिश यूएस रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। टूर्नामेंट डिटेल है यहाँ डिस्क्रिप्शन में, टूर्नामेंट का डिस्क्रिप्शन डालेंगे, अबाउट टूर्नामेंट। नीचे रूल्स है, इसमें आप रूल डालेंगे जो भी आपका टूर्नामेंट का रूल होगा। फिर नीचे प्राइस का ऑप्शन है, यहाँ पे आप प्राइस डालेंगे जो भी आप प्राइस दे रहे हैं, करके नीचे आएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्लेटफॉर्म पे डिस्कॉर्ड रहेगा, और फिर नीचे आके आप अपना यहाँ पे सर्वर सेलेक्ट करेंगे जिस सर्वर पे भी आप काम कर रहे हैं। रोल टू मेंशन में आप उसे मेंशन करेंगे आप जिसका टूर्नामेंट करा रहे हैं। अगर फ्री फायर का करा रहे हैं तो फ्री फायर अगर रोल बना है आपके सर्वर पे तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे असाइन का ऑप्शन है, इसे टिक कर देंगे। रूल टू शो में यहाँ पे एवरीवन ही रहेगा। ये मैच चैनल विजिबिलिटी है, यहाँ पे आप अपने चैनल के मॉडरेटर या फिर जो भी टूर्नामेंट होस्ट करा रहे हैं उसका रूल डालेंगे। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंगल लॉबी पे क्लिक करेंगे। मल्टीपल लॉबी अगर एक से ज़्यादा कस्टम बनाना है आपको तो उस पर क्लिक करेंगे। अभी हम सिंगल लॉबी सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम प्लेयर कितने हो उस कस्टम रूम में, 48 भी रह सकते हैं, और अगर आप रश आर कर रहे हैं तो 20 प्लेयर रहेंगे। फिलहाल हम 20 सेलेक्ट करते हैं। यहाँ प्राइवेट टूर्नामेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे इसे इनेबल करके आप सेलेक्टेड बंदों को पासवर्ड देकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसे हम ऑफ कर देते हैं तो यहाँ सब रजिस्टर कर सकते हैं बिना पासवर्ड के। उसके बाद क्रिएट करेंगे, उसके बाद पब्लिश कर देंगे इसको। हम अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाएंगे, जो भी नया चैनल बनता है टूर्नामेंट को सबसे नीचे बनता है। हम स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएंगे, यहाँ टॉर्नी ट्यूटोरियल नाम से बन चुका है, यहाँ लॉबी बन चुकी है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए टी मार्क और रजिस्टर लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको भी लिखना है। अब हम टोनी बोर्ड का जो DM है उसमें जाएंगे, वहाँ पे फॉर्मेट लिखा होता है किस तरीके से आपको लिखना है, अपना नाम रजिस्टर करना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क ज्वाइन सोलो और ब्रैकेट में अपना नाम, वैसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे अपना नाम। टूर्नामेंट फुल हो चुका है इसलिए यहाँ पे फुल दिखा रहा है।
वरना यहाँ पे ऐसा लिखा रहता है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, अगर फुल नहीं होता है तो। यहाँ डैशबोर्ड पे जाएंगे, जो भी हमने टूर्नामेंट बनाया था उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 20 बंदों ने रजिस्टर कर दिया है। अब यहाँ प्लेयर रजिस्टर में देखेंगे किन लोगों ने रजिस्टर किया है, यहाँ सबके नाम आ जाते हैं जिन जिन लोगों ने रजिस्टर किया होता है। अब हम लॉबी में जाएंगे एक प्राइवेट चैनल बनाने के लिए, यहाँ पे हम आईडी पासवर्ड देंगे सबको। यहाँ क्रिएट लॉबी पे क्लिक करेंगे, लॉबी बन गई यहाँ डैशबोर्ड पे। फिर लॉबी वन पे क्लिक करेंगे, अभी प्लेयर्स के नाम दिखा रहे हैं जिन लोगों ने रजिस्टर कर लिया है। अब हम क्रिएट चैनल पे जाएंगे पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम एक चैनल बनाएंगे जिस टाइम पे हमें टूर्नामेंट स्टार्ट करना है। उसके बाद हम क्रिएट चैनल पे क्लिक करके चैनल बना लेंगे एक प्राइवेट, जिसमें हम बंदों को आईडी पासवर्ड दे सकते हैं। उसके बाद हम अपने डिस्कॉर्ड पे जाएंगे और आप देख सकते हैं यहाँ गेम लॉबी बन गई है, जिसमें हम आईडी पासवर्ड देते हैं जो भी रजिस्टर्ड प्लेयर होते हैं। ये चैनल सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों को दिखेगा, ये जो 20 लोग हैं इन्हें और जो भी है टूर्नामेंट होस्ट करा रहे हैं मॉडरेटर। अब हम सीखेंगे कि विनर कैसे अनाउंस करते हैं। हम फिर से लॉबी में जाएंगे और रिकॉर्ड स्कोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम प्लेयर्स के नाम मैच करेंगे जो भी विनर है। मान लीजिए ये विनर है तो इसके स्कोर में लिखेंगे हम रैंक स्कोर में। हंड्रेड लिख देंगे और जो सेकंड आएगा उसको थोड़ा सा कम पॉइंट देना है 100 से। आप 99 भी दे सकते हैं, 90 भी दे सकते हैं। और जो थर्ड आएगा उसको थोड़ा और कम देना है, बेसिकली थोड़े थोड़े पॉइंट कम देने ताकि फर्स्ट सेकंड थर्ड आ सके। उसके बाद एंड लॉबी कर देंगे और यहाँ पे हम नंबर ऑफ विनर लिखेंगे। हमने 3 लोगों को पॉइंट्स दिए इसलिए यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। अगर 1 लिखेंगे तो सिर्फ ये 100 वाला विनर होगा, 2 लिखेंगे तो 100 और ये 90 वाले विनर, और 3 लिखेंगे तो ये तीनों विनर होंगे। अब कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद यहाँ टूर्नामेंट एंड लिखा है तो इसे हम कंटिन्यू कर देंगे। अभी हमारा टूर्नामेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने फिर से डिस्कॉर्ड पे जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं विनर अनाउंस हो चुके हैं। जिन लोगों को हमने विनर अनाउंस किया था उन्हीं के नाम है। अब टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद चैनल कैसे हटाते हैं डिस्कॉर्ड से। अभी टूर्नामेंट ख़त्म हो चुका है तो इन चैनल का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए हम इसे हटा देंगे। अब जो टूर्नामेंट हमने डैशबोर्ड पे बनाया था उसमें जाएंगे डिटेल्स में और सबसे नीचे क्लीन अप का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लियर कर देंगे। ये सक्सेसफुली हो चुका है इसलिए ग्रीन टिक लगा हुआ है। अभी से आप डिस्कॉर्ड पे आके चैनल चेक कर सकते हैं, यहाँ चैनल नहीं होगा क्योंकि हम डैशबोर्ड से हटा चुके हैं, इसलिए यहाँ से डिलीट हो चुका है। अगर आपको टूर्नामेंट होस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, टॉर्नी बॉट को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप टॉर्नी हेल्प में आ सकते हैं। यहाँ आप अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए और किसी भी कम्युनिटी वॉरियर को टैग कर सकते हैं।